हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डॉट जावा था इसको कम्प्लीटली क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्टिविटी चेकआउट डॉट एक्सएमएल कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कार्ड व्यू का यूज़ करना होगा एंड उसके नीचे हम बटन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ तक हमारा एक कार्ड व्यू रहेगा जिसमें हम यूज़र से CVV, कार्ड नंबर, जो भी चीज़ होती है चेकआउट के लिए वो एंटर करेंगे एंड यहाँ पे एक बटन रहेंगे प्रोसीड के लिए। ओके, तो मैं आ जाता हूँ चेकआउट के नीचे एंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे कार्ड व्यू। तो यहाँ पे जो कार्ड व्यू दिखाई दे रहा है मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 0 dp एंड विड्थ भी देता हूँ 0 dp। तो हम एंटर करेंगे यहाँ पे 0 dp 0 dp एंड ID भी हम डिफाइन करेंगे कार्ड व्यू की ID @ID एंड इसकी ID का नेम दे देंगे हम कार्ड व्यू 3। ये होने के बाद आपको अगेन ये जो हाइट है इसके नीचे आ जाना है। इसकी मार्जिन स्टार्ट आपको प्रोवाइड कर देनी है मार्जिन स्टार्ट में हम एंटर करेंगे 30 dp एंड मार्जिन टॉप में यूज करेंगे 30 dp। मार्जिन एम एंड मार्जिन बॉटम भी आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे MR दे देता हूँ एंड डायरेक्ट बॉटम ये जो दिखाई दे रहा है लेआउट मार्जिन बॉटम ये आपको यूज करना है 65 dp। मार्जिन एंड हमने नहीं दिए इसलिए मैं दे देता हूँ मार्जिन इसको आपको प्रोवाइड करना है 30 dp। ये होने के बाद हम यूज करेंगे कार्ड कॉर्नर रेडियस। ये कार्ड भी है तो थोड़ा बाजू से शेप आना चाहिए इसलिए हम यूज करेंगे कार्ड कॉर्नर रेडियस। इसके रेडियस रहेंगे 25 dp। इसको मैं एंटर कर देता हूँ एंड हम कार्ड एलिवेशन भी यूज कर लेंगे। कार्ड एलिवेशन आपको यूज करना है 25 dp। जो कार्ड कॉर्नर रेडियस यूज किए थे वही हम यूज करेंगे। इसके बाद हमें बॉटम टू बॉटम अप यूज करना होगा। तो इसके लिए हमने इसका यूज किया है जब हमने एसेसरी लिस्ट क्रिएट किए थे। तो सेम कार्ड व्यू जैसे हमने वहां पे क्रिएट किए थे वैसे इसको यूज करना है। तो बॉटम टू बॉटम अप में यूज करेंगे हम पैरेंट। सेकेंड में आपको एंड टू एंड अप यूज करना है इसको भी आपको प्रोवाइड कर देना है पैरेंट। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ में भी आपको प्रोवाइड कर देना है पैरेंट। ये होने के बाद आपको अगेन टॉप टू टॉप अप यूज करना होगा पैरेंट। तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो भी कार्ड व्यू का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कार्ड व्यू को। इसके अंदर हम एक कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करेंगे इस कार्ड लेआउट के अंदर। तो हम यूज करेंगे अभी कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट की विड्थ एंड हाइट मैच करेंट आपको प्रोवाइड कर देनी है। ये होने के बाद आपको बैकग्राउंड भी यूज करना होगा। तो बैकग्राउंड आपको यूज करना है व्हाइट @ColorWhite। बॉटम टू बॉटम ऑफ भी यूज करेंगे हम इसको जैसे कि वैसे कॉपी कर लेंगे कंस्ट्रेंट बॉटम टू टॉप ऑफ। सॉरी यहाँ पे आपको बॉटम ऑफ यूज करना है बट हमने गलती से यहाँ पे टॉप ऑफ यूज कर लिया है इसलिए मे बी एरर शो हो रहा होगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको रिजोल्व कर लेता हूँ कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ। ओके, तो इसको आपको यूज करना है। तो आप देख सकते हो अभी कार्ड भी अच्छे से शो हो रहा है। अभी हम टाइप करके देखेंगे मैनुअली अभी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी शो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम बस इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे Ctrl+C से कंस्टेंट टू बॉटम एंड एंड आउट। ओके, दोनों भी हम जैसे कि वैसे इसको कॉपी एंड पेस्ट यूज करते हैं। तो ये होने के बाद हमें कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद अगेन आपको नीचे आना होगा एंड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ एंड टॉप टू टॉप ऑफ। तो बस आपको इसको जैसे कि वैसे कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो अभी हमारा ये भी वर्क हो चुका है। तो
अभी हमें ये यूज करना होगा हॉरिजॉन्टल बायस, कंस्टेंट हॉरिजॉन्टल बायस। तो हम खुद से मैन्युअली टाइप करेंगे, एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है 0.5। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा वर्क हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर में आपको यूज करना होगा बटन को, यहाँ पे जो परचेस का बटन रहेगा कार्ड नंबर एंटर करने के बाद। तो मैं सबसे पहले इसको क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं एंटर कर देता हूँ बटन, एंड बटन के अंदर में यूज करेंगे हम इसकी विड्थ एंड हाइट, रैप कंटेंट रैप कंटेंट। इसके बाद हम बटन के आईडी डिफाइन कर देंगे, तो आईडी का हम नेम प्रोवाइड कर देंगे परचेज बटन, इसके बाद हम मार्जिन बॉटम यूज करेंगे 16 dp, क्योंकि ये इससे नीचे चाहिए, ठीक है। तो एंटर करेंगे हम मार्जिन बॉटम 16 dp, हम सिर्फ 16 dp की यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा दूर में नहीं रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा एकदम नॉर्मल, इसमें यहाँ से थोड़ा अप, ओके, इसलिए हम सिर्फ 16 dp का यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं ये जो हमारी बटन रहेगी उसको टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट में हम प्रोवाइड करेंगे परचेस, ये होने के बाद हम बैकग्राउंड टेंट का भी यूज करेंगे। तो बैकग्राउंड टेंट में आपको एक कलर यूज करना होगा एसेंट के नेम से, तो मैं अभी तो फिलहाल नेम ही दे देंगे हम @color एसेंट, तो हम एसेंट ना देते हुए एसेंट 1 दे देंगे। एंड अभी हमें जाना होगा color.xml में, एंड इसको क्रिएट करना होगा एसेंट के नेम से, तो मैं बस Ctrl+D कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसेंट 1। तो मैं इसके नेम को कॉपी कर देता हूँ जैसे कि वैसे एसेंट 1, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड इसका मैं कलर कोड सबसे पहले तो टाइप कर देता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो कलर प्राइमरी डार्क का कलर था D26 01A 01A। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने कलर एसेट दे दिया है, ओके। तो अभी हम आ जाते हैं एक्टिविटी चेकआउट में, एंड इसको हम एंटर करेंगे, तो हम यहाँ से एंटर करेंगे इसको, एंड ये भी हमारा एरर रिजोल्व हो चुका है। तो कार्ड कॉर्नर रेडियस में टाइप कर देता हूँ मैन्युअली, तो यहाँ पे कार्ड कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एक्टिविटी एसेसरी लिस्ट में चले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं जाना है आपको, एक्टिविटी डिस्प्ले प्रोडक्ट में जाना है, एंड ये जो कार्ड कॉर्नर रेडियस दिखाई दे रहा है इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम मैन्युअली टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ कार्ड कॉर्नर रेडियस, एंड इसको सिर्फ 25 dp नहीं देना आपको, बस 5 dp देना है। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है, एंड यूज़ करेंगे हम बॉटम टू बॉटम ऑफ, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज़ किए बॉटम टू बॉटम ऑफ, एंड टू एंड ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, ये जो 3 दिखाई दे रहा है आपको बस जैसे कि वैसे इसको Ctrl+C से कॉपी करना है, एंड यहाँ पे आपको बस पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो नीचे आ चुका है सबसे एंड में, एंड स्टार्ट से भी आ चुका है, एंड से भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा बटन का वर्क हो चुका है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये होने के बाद अभी हमें एक एडिट टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक CVV एंटर करना पड़ेगा यूजर से, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट। तो ये जो हमारा CVV रहेगा, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ सबसे पहले। ये जो हमारा CVV रहेगा तो ये सबसे नीचे में रहेगा, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंटर करूंगा एडिट टेक्स्ट, इसकी विड्थ एंड हाइट आपको प्रोवाइड करने है, विड्थ तो हमारी थोड़ी ज्यादा चाहिए 259 dp, तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे 259 dp, एंड हाइट में हम प्रोवाइड करेंगे 46 dp। तो अभी हमने इसकी हाइट डिफाइन कर दी है 46 dp। अभी हमें एडिट टेक्स्ट में आईडी को डिफाइन करना होगा, तो मैं आईडी को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसकी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे CVV, क्योंकि हम यूजर से एंटर ले रहे हैं तो हमें थोड़ा याद रहना चाहिए, इसलिए @CVV, ओके। इसके बाद हम एंटर कर देंगे, एंड हम इसका EMS प्रोवाइड कर देंगे 10। तो यहाँ पे EMS
आ चुका है एंड इसको मैं एंटर करूंगा 10। अगेन आपको एंटर करना है एंड हिंट में आपको प्रोवाइड कर देना है। हिंट में हम प्रोवाइड करेंगे सीवीवी, क्योंकि यूजर को पता होना चाहिए क्या क्या उसको एंटर करना है। तो हिंट में हम प्रोवाइड करेंगे कैपिटल CVV। ये होने के बाद हमें इनपुट टाइप भी यूज करना होगा, तो इनपुट टाइप में हम नंबर ही यूज करना होगा, क्योंकि CVV जो भी होता है वो नंबर में ही होता है। तो हम यूज करेंगे नंबर साइन का। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट साइज इसका इंक्रीज करना पड़ेगा, ये जो CVV है इसका टेक्स्ट साइज भी तो बढ़ना चाहिए थोड़ा। तो टेक्स्ट साइज यूज करेंगे हम 40 SP। ये होने के बाद अगेन हम एंटर करेंगे एंड सेम आपको यूज करना है बॉटम टू बॉटम ऑफ। तो बॉटम ऑफ किसके नीचे रहेगा, वो परचेज बटन के नीचे, ठीक है। सॉरी, हमें बॉटम नहीं करना है, टॉप करना है। तो हमें यूज करना होगा बॉटम टू टॉप ऑफ। तो सबसे पहले तो मैं मैनुअली टाइप करके देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं करता है। यस कर रहा है, बॉटम टू टॉप ऑफ हमें यूज करना पड़ेगा @purchase button। ये जो हमने इसकी आईडी डिफाइन की थी परचेज बटन का, वही हमें यूज करना है। तो जैसे हम इसको यूज करेंगे तो इसके टॉप में आ चुका है। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड सेम आपको एंड टू एंड ऑफ एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ मीन्स यहाँ पे हमें सेंटर में लेके आना है, एंड से एंड स्टार्ट से। ओके, तो मैं बस इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, एंड टू एंड ऑफ एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो खुद भी, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोड लिखा है इसलिए मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो अभी सेंटर में आ चुका है। तो ये होने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। तो अभी हम अगेन एडिट टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो एडिट टेक्स्ट हम इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी हमें मंथ्स एंड जो ईयर होता है वो भी एंटर करना होगा ना यहाँ पे, तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर इसलिए शो हो रहा है, मैं देख लेता हूँ सबसे पहले बल्ब पे क्लिक करके। तो यहाँ पे बोल रहा है रिमूव अट्रोबोट लेआउट एंड टू एंड ऑफ। देखो हमने यहाँ पे डबल यूज किया है इसलिए एरर शो हो रहा है। तो मैं इसको तो सबसे पहले बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ, तो ये जो भी एडिट टेक्स्ट का एरर रहेगा वो खुद ब खुद थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसके नीचे आना है। तो यहाँ पे भी हमने स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ डबल यूज कर लिया है, तो यहाँ पे इसलिए एरर शो हो रहा है। तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं, तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमें अगेन एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर सबसे पहले यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर करता है एंड जो मंथ रहता है एंड ईयर, ये सभी चीजें वो एंटर करवाता है। तो इसलिए हम एडिट टेक्स्ट का यूज करेंगे यहाँ पे सेकेंड में। तो एडिट टेक्स्ट में हम यूज करेंगे एडिट टेक्स्ट, इसकी विड्थ रहेंगे 101 dp एंड हाइट रहेगी 36 dp। एंड हम आईडी को भी यूज कर लेंगे, आईडी @ID मंथ। ये होने के बाद हम मार्जिन स्टार्ट मार्जिन एंड दोनों यूज कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मार्जिन स्टार्ट यहां से रहना चाहिए इसलिए हम यूज कर रहे हैं मार्जिन स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंटर कर देंगे एंड इसको यूज करेंगे 60 dp एंड सेम जो हमने मार्जिन स्टार्ट यूज किए थे उसको एंड यूज करेंगे, मार्जिन एंड 27 dp। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड सेम जो ऊपर में हमने EMS यूज किए थे 10, वही आपको नीचे में भी यूज करना है EMS 10। इनपुट टाइप आपको नंबर यूज करना है। अगेन इनपुट टाइप नंबर क्यों रहेगा, क्योंकि जो मंथ होता है उसमें हम नंबर ही यूज करने के लिए यूजर को बोलते हैं, तो इसलिए हम नंबर यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट साइज इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी तक शो नहीं हो रहा है इसलिए हम हिंट प्रोवाइड करेंगे मंथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ शो हो रहा है। ये होने के बाद मैं इसकी टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसके जैसे 14 SP। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट।
एंड बॉटम टू बॉटम अब भी हमें यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, बट यहाँ पे एरर शो होगा अगर मैं बॉटम टू बॉटम अप यूज कर लेता हूँ। तो हम यूज करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट अप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट टू स्टार्ट अप, पैरेंट आपको प्रोवाइड कर देना है। ये होने के बाद आपको कंस्टेंट वर्टिकल बायस भी यूज करना है, तो वर्टिकल बायस में हम यूज करेंगे 0.0। तो आप देख सकते हो अभी हमारा एडिट टेक्स्ट का वर्क हो चुका है, तो अभी सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये होने के बाद अभी हमें क्रिएट करना होगा अगेन एडिट टेक्स्ट, ये तो हुआ मंथ, इसके बाजू में रहेगा ईयर, तो इसके लिए मैं क्रिएट कर देता हूँ एक एडिट टेक्स्ट। तो सबसे पहले इसकी विड्थ एंड हाइट रहेगी 87 dp, एंड हाइट भी रहेगी 36 dp। अभी हमें इसके मार्जिन एड भी यूज करना होगा, मार्जिन एड भी हम यूज करेंगे 99 dp। एंड सेम हमें जो ईएमएस हिंट ये सभी इनपुट टाइप ये सभी मैं जैसे कि वैसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड टेक्स्ट साइज को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जैसे हमने मंथ में यूज किया था वैसे ईयर में भी रहेगा, तो कंट्रोल वी एंड मंथ की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे ईयर। तो यहाँ पे आईडी को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, आईडी एट द रेट आईडी मंथ की जगह रहेगा ईयर। ओके, तो अभी हमारा वर्क हो चुका है, जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ये रहेगा, ये जो हमारा मंथ रहेगा वो रहेगा स्टार्ट में, बट ये जो ईयर रहेगा वो रहेगा एंड में, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एंड टू एंड ऑफ। तो एंड टू एंड ऑफ में सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पेरेंट। ओके, एंड आपको यहाँ पे स्टार्ट टू एंड ऑफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टार्ट टू एंड ऑफ तो किसके रहेगा स्टार्ट टू एंड ऑफ इसके, तो मंथ को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एट द रेट आईडी मंथ। तो आप देख सकते हो अभी कंप्लीटली अच्छे से आ चुका है, ये होने के बाद आपको इसको भी क्लोज कर देना है। ओके, तो अभी हमारा इसका भी एडिट टेक्स्ट का वर्क हो चुका है, अभी हम यूज करेंगे कार्ड नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा कार्ड नंबर, सॉरी सबसे पहले तो हमें एडिट टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, एडिट टेक्स्ट में हम यूज करेंगे आईडी, पहले हम विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर देंगे 259 dp, एंड हाइट हम प्रोवाइड करेंगे 47 dp। ये होने के बाद आपको मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन एंड यूज करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ, मार्जिन स्टार्ट 48 dp, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन एंड। ये होने के बाद आपको ईएमएस हिंट इनपुट टाइप टेक्स्ट साइज सेम आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ब खुद आ चुका है, बट अभी ईयर की जगह हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा कार्ड टाइप, एंड ये जो नंबर है नंबर की जगह नंबर साइन। ओके, तो अभी हमारा वर्क हो चुका है, बस हमें एंड टू एंड ऑफ यूज करना पड़ेगा एंड स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, जैसे हमने सीवी में यूज किया था क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए, तो पहले तो हम स्टार्ट से सेंटर में लेके आएंगे इसको, इसलिए स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ एंड इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको पेरेंट एंड एंड टू एंड ऑफ। देखो ये स्टार्ट से तो आ चुका है सेंटर में, यहाँ से नहीं आया, तो एंड टू एंड ऑफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको एंड टू एंड ऑफ पेरेंट।
तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, सीवीवी, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, बटन। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा चेकआउट के नेम से। यहाँ पे टाइटल शो होना चाहिए कि ये चेकआउट का पेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रेंट लेआउट में आ जाना होगा। तो मैं इसको सबसे पहले आईडी डिफाइन कर देता हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट को आईडी @ID लीनियर लेआउट ये आपको प्रोवाइड कर देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर लेआउट शो हो रहा है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है, बटन के ऊपर में आना आपको, एंड यहाँ पे आपको यूज करना होगा टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दे देता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू में हम सबसे पहले विड्थ दे देंगे रैप कंटेंट, एंड आपको हाइट भी प्रोवाइड करनी है रैप कंटेंट। ये होने के बाद आपको मार्जिन टॉप यूज करना है, क्योंकि जो चेकआउट का हेडिंग रहेगा वो रहेगा टॉप से, तो इसलिए मैं प्रोवाइड करूंगा मार्जिन टॉप। तो आप थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये काई मीन्स ये क्यों है, इधर उधर क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू जब हम यूज करेंगे तो ये जो इधर उधर जा रहे हैं हमारे एडिट टेक्स्ट वो प्रॉपर इसमें आ जाएंगे। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है, चेकआउट का टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है, लेआउट मार्जिन टॉप, तो हम दे देंगे 20 dpi। तो मिनिमम यहाँ पे हमारा चेकआउट हेडिंग शो होनी चाहिए, तो इसलिए मैं मार्जिन टॉप हम प्रोवाइड कर देंगे 20 dpi। इसके बाद हम टेक्स्ट को भी प्रोवाइड करना होगा हमें चेकआउट के नेम से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ चेकआउट, ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट कलर यूज करना है। तो टेक्स्ट कलर में आपको एसेंट कलर जो हमने क्रिएट किए थे प्रीवियस वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में हमने क्रिएट किए थे कलर में, तो उसी को ही आपको यूज करना है, _ColorEscent1। एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये थोड़ा हेडिंग इसमें रहेगा, तो इससे डबल हम दे देंगे, टेक्स्ट साइज रहेगा हमारा 34 SP, 17 से डबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट शो हो रहा है। तो टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं बोल्ड प्रोवाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको एंड टू एंड ऑफ यूज करना है, तो मैं एंटर कर देता हूँ एंड टू एंड ऑफ। यहाँ से आपको पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, पेरेंट, एंड सेम आपको जो एंड था मीन्स यहाँ से तो आ चुका है एंड में, अभी स्टार्ट से करना होगा। तो मैं इसको बस कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, टाइप करने से अच्छा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ एंड टॉप टू टॉप ऑफ, क्योंकि ये टॉप में रहेगा इसलिए हम टॉप टू टॉप ऑफ यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेकआउट का प्रॉपरली आ चुका है। अभी सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसको हमने आईडी डिफाइन नहीं की, तो मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू 6 के नेम से। ओके, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा आईडी @ID टेक्स्ट व्यू 6। तो आई होप अभी आपको समझ में आएगा चेकआउट का प्रोसेस। अभी हमें एक एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना होगा, तो टेक्स्ट व्यू का क्यों क्रिएट करना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने कार्ड नंबर यूज किया था उसके लिए हमें एक कार्ड व्यू नंबर का टेक्स्ट व्यू यूज करना होगा, एंड सेम हमें सीवीवी के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सभी के लिए ऐसे तीन हमें टेक्स्ट व्यू का यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने चेकआउट क्रिएट किए थे उसी के नीचे आपको आ जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेकआउट के नीचे मैं आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू, इसकी विड्थ एंड हाइट रहेगी 91 dpi एंड 70 dpi। विड्थ में प्रोवाइड कर देता हूँ थोड़ी ज्यादा ही होती हो, एंड हाइट रहेगी हमारे 17 dpi सिर्फ। तो इसको मैं आईडी भी डिफाइन कर देंगे हम, तो इसकी आईडी यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ आईडी @ID एंड टेक्स्ट व्यू 17। ओके,
यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है जो हमने टेक्स्ट भी लिया है, तो मैं पहले तो टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे कार्ड नंबर, कैपिटल सी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये हेडिंग रहेगी हमारी, कार्ड नंबर। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको मार्जिन स्टार्ट भी यूज करना है। अभी मार्जिन स्टार्ट 48 dB एंड मार्जिन एंड भी आपको यूज करना होगा, तो मार्जिन स्टार्ट 48 dB, मार्जिन एंड। तो मार्जिन एंड में आपको क्या यूज करना होगा, 2211 dB। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट टाइप। तो हम टेक्स्ट कलर कौन से यूज करेंगे, तो पहले तो हम टेक्स्ट कलर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट कलर हम यूज करेंगे हैश 191B18। ओके, आपको ये मैनुअल अच्छे से टाइप करना है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर में अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम यूज करेंगे टेक्स्ट टाइप बोल्ड। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड बॉटम टू बॉटम आप यूज करना आपको। तो किसके नीचे रहेगा, ये कार्ड नंबर के नीचे रहेगा। ओके, तो मैं आईडी डिफाइन करेंगे हम बॉटम टू टॉप ऑफ, बॉटम टू टॉप ऑफ एट द रेट आईडी कार्ड नंबर, कार्ड नंबर। यहाँ पे एरर शो हो रहा है, यहाँ पे खुद ब खुद डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं एंड ये जो कार्ड नंबर है उसको आईडी डिफाइन कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है एग्जैक्टली, इसको स्क्रॉल करना है आपको एंड ये जो कार्ड टाइप है इसकी जगह हमने गलती से कार्ड नंबर लिखना था बट हमने कार्ड टाइप लिख दिया है। ओके, तो इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ, कार्ड कार्ड नंबर। ओके, एंड इसको हम आईडी डिफाइन कर देंगे, आईडी एट द रेट आईडी कार्ड नंबर। तो आप देख सकते हो अभी हमने इसकी आईडी भी डिफाइन कर दिया, हेड भी अच्छे से चेंज कर दिया। तो अभी हमने ये जो डिफाइन किया है उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे जो यहाँ पे एरर शो हो रहा था। कार्ड नंबर हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे, तो अभी भी यहाँ पे एरर शो हो रहा है इसलिए मैं अच्छे से टाइप करूंगा कार्ड नंबर। सॉरी, यहाँ पे अभी भी एरर शो हो रहा है तो इसको हम करेंगे बैक स्पेस से रिमूव एंड अच्छे से यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे स्टार्ट टू बॉटम ऑफ, सॉरी बॉटम टू टॉप ऑफ। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है बॉटम टू टॉप ऑफ, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से जो हमने कार्ड नंबर टाइप किया था उसी को यूज कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। तो मैं इसको सबसे पहले एंटर कर देता हूँ अभी अच्छे से क्योंकि यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो अभी हम यूज करेंगे एंड टू एंड ऑफ, एंड टू एंड ऑफ एंड इसको प्रोवाइड कर देंगे पैरेंट। ये होने के बाद अगेन हम यूज करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, तो इसको मैं जस्ट कंट्रोल एंड सी यूज कर लेता हूँ। एंड टॉप टू बॉटम ऑफ भी यूज करना पड़ेगा आपको एंड यहाँ पे भी आपको सेम यूज करना पड़ेगा, एट द रेट आईडी टेक्स्ट व्यू 6। तो मैं बाद में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ये जो टेक्स्ट व्यू 6 है वो एग्जैक्ट है क्या, तो मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देता हूँ। ओके, एंड ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको आपको क्लोज करना होगा। तो अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया है बट इसको भी आपको इग्नोर करना है, ठीक है। ये जो टॉप टू बॉटम है हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट व्यू की आईडी हमें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू 6 के नेम से हमारी आईडी रहेगी। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसके नीचे आ जाता हूँ एंड कार्ड नंबर है जिसे हमने लिया था वैसे हमें मंथ एंड ईयर के लिए एक एक्सपायरी डेट कर का टाइटल रहेगा, तो सेम हम यूज करेंगे
एक काम कर देता हूँ, मैं बस कंट्रोल एंड सी कर देता हूँ। तो हम यूज करेंगे इसकी टेक्स्ट व्यू आईडी, जैसे वहां पे 720 वैसे यहाँ पे यूज करेंगे 18। एंड विड्थ एंड हाइट हम यूज करेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे हाइट को, 17 की जगह 18 करेंगे। एंड विड्थ हम यूज करेंगे यहाँ पे 80 dpi। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट भी यूज करना होगा, कार्ड टाइप सॉरी एक्सपायरी डेट, तो नंबर की जगह हम यूज करेंगे डेट, एक्सपायरी डेट। ये होने के बाद हमें मार्जिन स्टार्ट यूज करनी है 48 dpi। मार्जिन एंड भी आपको जैसे की वैसी रखनी है, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, मार्जिन एंड को हम 22 dpi कर देंगे। ओके, टेक्स्ट कलर को आपको सेम रखना है, #191b18। एंड टेक्स्ट स्टाइल भी हम सेम रखेंगे। बॉटम टू टॉप आपको आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे जो कार्ड नंबर था तो यहाँ पे हमने कार्ड नंबर यूज किए थे, बट ये किसके ऊपर रहेगा, मंथ के ऊपर में रहेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मंथ। ये होने के बाद आपको जैसे कि वैसे सभी चीज को रखनी है, बस टेक्स्ट व्यू की जगह आपको कार्ड नंबर यूज करना है। ये जो हमने नीचे में दिया था कार्ड नंबर, उसके नीचे हमें हमारा टेक्स्ट व्यू चाहिए, इसलिए हम यूज कर रहे हैं @ID कार्ड नंबर। ओके, तो आई होप अभी समझा होगा आपको। तो अभी कंप्लीटली हमारा इस टेक्स्ट व्यू का वर्क हो चुका है, तो अगेन आपको एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। एंड इसकी विड्थ एंड हाइट सेम रहेगी, 68 dpi 20 dpi। तो सेम हम क्या करेंगे, इसको बैकस्पेस से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड ये जो टेक्स्ट व्यू है इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो टेक्स्ट व्यू 18 है इसकी जगह हम करेंगे 19। ये जो विड्थ है हम इसकी जगह करेंगे 68 dpi, क्योंकि 80 dpi थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे 68 dpi। एंड हाइट यूज़ करेंगे हम 20 dpi। टेक्स्ट में हमें यूज़ करना पड़ेगा CVV, क्योंकि हम इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट में CVV। मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन एंड हम जैसे कि वैसे रहने देंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जैसे कि वैसे रखना है, बस ये जो मंथ है तो ये मंथ के ऊपर में नहीं रहेगा, तो CVV के ऊपर में रहेगा, इसलिए आपको ये जो आईडी है यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। एंड टू एंड ऑफ आपको यूज करना है पेरेंट, बस हम यहाँ पे यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बायस। ओके, तो यहाँ पे हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल बस 0.1। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। एंड जो बॉटम टू बॉटम ऑफ है इसको हम चेंज करेंगे मंथ से, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे रहेगा, मंथ के नीचे, तो इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे मंथ। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे मंथ को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी हमें एक एक अच्छे से टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो हमने एडिट टेक्स्ट व्यू किया था उसको हमें अच्छे से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे फर्स्ट एडिट टेक्स्ट में, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फर्स्ट एडिट टेक्स्ट हमारा था, सबसे पहले हमने क्रिएट किए थे CVV के लिए, ठीक है। तो CVV में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऑफ यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा आपको टॉप टू बॉटम ऑफ @ID टेक्स्ट व्यू 19, जो सबसे नीचे है उसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट व्यू 19। ओके, ये होने के बाद अगेन आपको एडिट टेक्स्ट में आ जाना है सेकेंड वाले मंथ के। एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है टॉप बॉटम टू टॉप ऑफ यूज करना है। ओके, बॉटम टू टॉप ऑफ, यहाँ पे हमारी रहेंगे टेक्स्ट व्यू 19। तो मैंने यहाँ पे 19 सर्च कर लिया, यहाँ पे आ चुका है @ टेक्स्ट व्यू 19। ये होने के बाद आपको एंड टू स्टार्ट ऑफ भी यूज करना है, तो ये रहेगा ईयर की, इसमें तो मैं सबसे पहले एंड टू स्टार्ट ऑफ यूज कर लेता हूँ @ID ईयर, तो वाई हम जैसे ही सर्च करेंगे खुद ब खुद आ जाएगा।
ये होने के बाद अभी अभी लास्ट आपको यूज करना है टॉप टू बॉटम ऑफ में यूज करेंगे हम एट द रेट आईडी 18। तो जैसे हम 18 यहाँ पे डिफाइन करेंगे खुद ब खुद ये भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा वर्क हो चुका है, बस अभी लास्ट बाकी है एडिट टेक्स्ट ईयर के नेम से। तो यहाँ पे भी हमें सेम यूज करना पड़ेगा बॉटम टू टॉप ऑफ। इसको बस कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, बॉटम टू टॉप ऑफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड टॉप टू बॉटम ऑफ। तो इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू 19 है जैसे कि वैसे रहेगा एंड टेक्स्ट व्यू 18 भी जैसे कि वैसे रहेगा। ओके तो ये होने के बाद अगेन हमारा वन एडिट टेक्स्ट बच चुका है, वो मीन्स कार्ड नंबर का एडिट टेक्स्ट। ओके तो यहाँ पे भी हमें यूज करना होगा बॉटम टू टॉप अप एंड टॉप टू बॉटम अप। तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एंड ये जो टॉप टू बॉटम टू टॉप है यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट व्यू 18 एंड ये जो टॉप टू बॉटम है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 17। ओके तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बट यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा XML फाइल अभी भी। तो अभी हमें क्या करना होगा, जो एरर शो हो रहा होगा, हाँ तो देखो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसको रिजोल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये जो टेक्स्ट व्यू 6 है हमने पहले ही दे दी थी, तो अभी मैं टेक्स्ट व्यू 6 को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो एरर खुद ब खुद रिजोल्व हो जाएगा। तो आपको टाइप करना है टेक्स्ट व्यू 6। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू 6 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे खुद ब खुद एरर रिजोल्व हो चुका है एंड ये भी एरर थोड़ी देर में चला जाएगा। तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आया होगा कि एक्टिविटी चेकआउट फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, मीन्स इसका एग्जाम्पल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका एक जावा फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। ओके तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।